और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ की करीब 500 मेडिकल छात्र रशिया में फंसे हुए हैं। इनमें से 43 छात्र बिलासपुर जिले के हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बैन होने से ये छात्र रशिया में फंस गए हैं। छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार मदद कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंचने तक इन छात्रों को 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा वहन करना होगा, जिसमें हवाई जहाज का टिकट और क्वारंटाइन रहने जैसे खर्च शामिल है। इसको लेकर बिलासपुर के अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्रीधर मिश्रा ने पीएम मोदी से खर्च में थोड़ी रियायत देने की अपील की है। अब बच्चों को गवर्नमेंट दिला रही है तो फेयर का चार्जेस भी ले रही है, कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे वो भी चार्जेस लेगी, क्वारंटाइन करेगी 14 दिन उसका भी चार्जेस लेगी। हम नागरिक होने के नाते सारे दिशा निर्देशों को मानेंगे और इन सब चीजों के लिए बाध्य भी हैं, क्योंकि हमको बच्चों को लाना ही है। हमारे राज्य सरकार से एक विशेष आग्रह है कि इन सब समस्त खर्चों को देखते हुए यदि कि पेरेंट्स लोगों को कुछ इसमें कुछ रियायत मिल जाए तो काफी तो आपको बता दें कि मामला बिलासपुर का है, जहां रशिया में कुछ छात्र हैं जो भारत के फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते सभी जो उड़ानें हैं बंद हो गई हैं और भारत सरकार उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है, पर इसमें खर्चा जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते अभिभावक परेशान है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लॉकडाउन के चलते वैसे ही आर्थिक संकट गहराया हुआ है और इस बीच 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा उठाना कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशान करता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के 500 बच्चे रशिया में फंसे हुए हैं, तो उनका जो बच्चों को वहां से लाना है उसमें 500 बच्चे को लाना है तो उसमें केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी, केंद्र मदद करेगा तो बच्चे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बच्चे वो 43 बच्चे जो रशिया में फंसे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो पालक है उसके ऊपर ऑलरेडी जब लोगों ने पहले टिकट बुक करा दी थी लॉकडाउन से पहले, तो वो चूंकि अचानक अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने बंद हो गई और ऐसे में उनका जो पैसा था वो डूब गया। अब दोबारा केंद्र सरकार ने हालांकि मदद की है, लेकिन उसमें जो किराया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को परमिशन जरूर दी है, लेकिन जो किराया है वो तमाम चीज उनको देना है, तो ये क्वारंटाइन का खर्चा भी सरकार इनको देने को कह दी है। तो ये एक बड़ा सवाल है इन लोगों के लिए कि अपने बच्चों को और इतने बड़ी संख्या में बच्चे हैं तो कैसे ये इसका जो आर्थिक बोझ पड़ा है, इसमें वही चाहते हैं कि पेरेंट्स को जिनका आर्थिक रूप से ठीक मिल जाए तो वो उसको बियर कर लेंगे और बच्चे भी जो है अच्छी स्थिति में वापस लौट पाएंगे। जी शैलेंद्र, अभिभावकों ने तो यह मांग कर दी है कि थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, क्या किसी जिम्मेदार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है मदद को लेकर? नहीं, अभी तक इसमें से राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसमें केवल अभी जो राजनीतिक दल और जो शासकीय स्तर के लोग हैं उन्होंने केवल आश्वासन दिया है कि इसको मदद की जाएगी, लेकिन कब होगी कैसे होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। और यही संशय जो है पेरेंट्स को परेशान कर रहा है कि आखिर नहीं होगा तो उनको कहीं इसका भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, तो वो एक बड़ा आर्थिक संकट इसके सामने उसे खड़ा हो जाएगा। जी शैलेंद्र, जो मजदूरों को बाहर से लाया गया था छत्तीसगढ़, उसमें तो आगे आके छत्तीसगढ़ सरकार ही थी जिन्होंने मदद की थी और केंद्र सरकार के अलावा जो बाकी की राशि थी वो राज्य सरकार ने ही दी थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं छात्रों का जब बाहर से लाने का सवाल है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ सरकार आगे आएगी इस बार भी। लगता है इसमें कि जो कहीं ना कहीं कुछ जो रिजल्ट है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो लगातार निवेदन आवेदन सरकार से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, पीएम से लगातार कर रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इनको जो है आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत अगर मिल जाएगी और वो इनके लिए राहत भरा होगा। जी चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर इंदौर से है, जहां लॉकडाउन के बीच शहर